नमस्कार, स्वागत है आपका के हरियाणा पे। मैं हूँ आपके साथ रमेश जाखड़। प्रदेश में एक सप्ताह तक लॉकडाउन जो है वो और बढ़ा दिया गया है, तो ऐसे में लगातार मेरे पास फोन आ रहे हैं कि कौन कौन सी दुकानें जो है वो खुली रहेंगी या खुली नहीं रहेंगी। कुछ किसान साथियों के फोन आ रहे हैं कि क्या जो मंडी जो है वो खुली रहेंगी। तो ऐसे में एक अपडेट आई है, नई अपडेट आई है तमाम दुकानों को खोलने को लेकर के। वो क्या अपडेट है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सुबह 10 बजे से लेकर के दोपहर 2 बजे तक किराना की जो दुकान है वो खोलने का समय जो है वो निर्धारित किया गया है। उसके बाद सुबह 5 बजे से सुबह 9 बजे तक दूध व दूध उत्पाद की दुकानें जो है वो खुली रहेंगी। जरा गौर कीजिएगा, दोबारा से फिर रिपीट कर रहा हूँ कि सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक किराना की दुकानें खुली रहेंगी। सुबह 5 बजे से सुबह 9 बजे तक दूध व दूध उत्पाद की चीज़ें वाली दुकानें जो है वो खुली रहेंगी। इसके अलावा फल व सब्जियों की दुकानें साय 5 बजे से साय 7 बजे तक खुली रहेंगी। यानी कि फ्रूट और वेजिटेबल्स की जो दुकानें हैं वो शाम को 5 बजे से शाम को 7 बजे तक यानी कि 2 घंटे ही खुली रहेंगी। इसके बाद अगर बात करें तो मेडिकल हॉल, केमिस्ट, फार्मासिस्ट 24 घंटे जो है ये खुली रहेंगे, क्योंकि मेडिकल शॉप वगैरह है तो ये इमरजेंसी सेवाओं में आती हैं, तो ये 24 घंटे तक खुली रहेंगी। इसके बाद अगर बात करें तो मंडियों में फसल खरीद नहीं होगी, यानी कि मंडी में आपको फसल लेकर के जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी कोरोना के चलते खरीद नहीं होगी, लेकिन जो उठान है, जो गेहूँ खरीदी हुई है, उस उठान का कार्य जो है वो 24 घंटे तक चलता रहेगा। इसके बाद अगर बात करें तो खाद, बीज, कीटनाशक, पशु चारा तथा कृषि उपकरण की दुकानें जो है वो 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुली रहेंगी। यानी कि किसान जो भी अपने खेती बाड़ी का जो उपकरण है या खाद, बीज है, स्प्रे है, वो अगर खरीदना चाहते हैं तो वो दुकानें जो है वो 10 बजे से शाम 3 बजे तक जो है वो खुली रहेंगी। पेट्रोल पंप जो है वो सुबह 6 बजे से रात को 9 बजे तक खुले रहेंगे। तो ऐसे में यही अपडेट जो है अब तक हमारे पास आई है। इसके अलावा बसें जो है वो लगातार चल रही है, ये कब तक चलेंगी ये आने वाला जो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल जो अपडेट हमारे पास आई है ये डिप्टी कमिश्नर सिरसा के ऑफिस की तरफ से ये अपडेट जो है ये जारी की गई है। तो ऐसे में अगर आप इन तमाम नियमों का उल्लंघन करते हैं, ये जो समय सीमा निर्धारित की गई है इसके अगेंस्ट आप जाते हैं तो आप पे कार्रवाई भी हो सकती है। वो मैं बताना चाहूँ कि अगर कोई उल्लंघन करता है तो धारा 51 से 60, यानी कि 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 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
ऐसे में ये पूरी अपडेट अब तक जो दुकानें खुली रखने को लेकर के आई थी वो मैंने आपको बता दी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि तमाम जो लोग वो फ़ोन कर रहे हैं उनको ये उन तक ये वीडियो पहुंच जाए और उनको भी पता चले कि आखिर दुकानें खुली रखने का समय जो है वो क्या कुछ रखा गया है।